देखिए, हमारी जो मुहिम है ये है हर गांव में अस्पताल, इस चीज को लेकर। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में 70% जनता गांव में विराजमान है, गांव में रहती है, पर वहां पे अगर हम देखें कि क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की बहुत कमी है, मतलब बेहद कमी है, इसमें सभी को ये आइडिया है इस बात का। ऐसे में मरीज को हर बार शहर चल के जाना पड़ता है, चाहे मर्ज छोटा हो बड़ा हो, और अगर नहीं जा रहे तो फिर इमरजेंसी के वक्त जाना पड़ता है। तो इस चीज को कैसे सुधारा जाए, इस पर जियो काम कर रही है। तो हमारी ये अभी जो ये कंपनी है जियो इनोवेशन, इसकी ये मुहिम है कि यार हर गांव में अस्पताल लगाया जाए, तो टेली मेडिसिन के माध्यम से। अभी जैसे कोरोना में हमने देखा है कि मरीज और डॉक्टर चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो बहुत इसमें काफी इस तरह के इश्यूज रहते हैं। तो उसी पर ये एक प्रेजेंटेशन है, ये मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना। अभी आपको मेरा शायद स्क्रीन दिख रहा होगा। तो हमारा देखिए इसमें एक छात्र वो है विचारधारा कि बस अब हर गांव में अस्पताल, जियो मित्र ई क्लिनिक के द्वारा। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि करंट आज के टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, क्या उनमें दिक्कतें हैं। 68% भारत की में है और केवल 26% डॉक्टर उस एरिया में हैं आज की डेट में। एक डॉक्टर 19,000 की जनसंख्या के लिए है, जो कि जो एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ जो कहते हैं कि हर 1,000 की जनता पे एक डॉक्टर होना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ है 19,000 गांव में, और जितनी भारत की जनसंख्या है ये शायद इसको ठीक होने में कई वर्ष लगेंगे। दूसरी तरफ चीजें महंगी हो रही हैं, स्वास्थ्य पे खर्च बढ़ रहा है, और स्वास्थ्य बीमा जो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है गांव क्षेत्रों में, शहरों में भी कम होता है, गांव में तो ना के बराबर है। और एक आंकलन के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक, प्रति वर्ष 3% जनसंख्या ये गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाती पहुंचेगी। है, गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाती है प्रति वर्ष स्वास्थ्य खर्च के कारण। आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर किसी को 1,50,000 रुपए की सर्जरी करवानी पड़ जाए तो क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, गांव खेत ये सब बिक जाते हैं, घर वगैरह। और ये जो डॉक्टरों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके कारण भी कई वाजिब हैं। जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए एक गांव में जनसंख्या भी कम होती है, अगर एक कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर गांव में अगर सेवाएं देंगे तो उनके पास इतनी जनसंख्या नहीं है कि उनका वो कर पाए, इतना उनका व्यवसाय ठीक कर पाए। और बहुत जगह आधुनिक उपकरण भी मौजूद नहीं होते गांव में, और कई डॉक्टर चाहते भी नहीं कि लंबे समय तक गांव में रुकें, तो ये भी कुछ कारण है। तो पारंपरिक सोच से शायद ये गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना थोड़ा सा कठिन है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सब बढ़िया चल रहा है, बहुत इश्यूज हैं, दुनिया भर की दिक्कतें हैं, बहुत महिलाओं में इश्यूज हैं जो नहीं ठीक हो पाते हैं, नहीं बता भी नहीं पाते, बहुत बारी उसमें त्वचा की एलर्जी, क्योंकि गांव में खेती में जाना पड़ता है, किसानों में इधर उधर खेतों में, तो उस वजह से स्किन की एलर्जी, त्वचा एलर्जी भी काफी पाई जाती है, किसी का जख्म हो जाए तो वो भी काफी फैल जाता है, ऐसी कई दिक्कतें हैं, गंभीर मलेरिया, गर्भाशय में ग्रीवा का कैंसर, काफी इस तरह की चीजें भी गांव क्षेत्रों में पाई गई हैं। अब इसके ऊपर आ गया कोविड, ये जो कोरोना महामारी, तो पहले ही मामला थोड़ा ढीला था, ऊपर से अब कोरोना आ गया तो और थोड़ा सा बिगड़ रहा है मामला। अब तो आने जाने में, आवाजाही में भी दिक्कत है कुछ, और कोरोना में की वजह से स्वास्थ्य ही नहीं, कारोबार पर भी फर्क पड़ा है। कई ऐसे जो हैं कारोबार, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, यात्रा, विमान इत्यादि, यहाँ पे बहुत हर्ट हुआ है, काम नीचे गया है काफी, वस्त्र, आभूषण, इन जगह पे। पर कुछ ऐसे व्यापार भी हैं जहां पर बूस्ट मिला है, जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था। अब कोई भी डिजिटल का काम करेंगे या सुनेंगे, जैसे
या सोचेंगे तो उसमें उसमें बढ़ावा आया है चीजों में। स्वास्थ्य देखभाल देखिए सदाबहार है स्वास्थ्य सिस्टम, तो फार्मा का काम, FMCG, इनमें थोड़ा सा उछाल आया है इन चीजों में। तो ऐसे में एक ई क्लिनिक को लगाना एक विश्वसनीय व्यवसाय को प्रदान करता है। जैसे इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी है सिस्टम कि डॉक्टर दूर टेलीमेडिसिन से कंप्यूटर से बात करेंगे वीडियो कॉलिंग के द्वारा, हेल्थ केयर का काम तो ये है ही, फार्मा दवा भी बिकेगी ई क्लिनिक के अंदर, ठीक है। और इसके कुछ ये लाभ भी हैं कि टेक्नोलॉजी से आदमी रूबरू होता है, थोड़ा मिलना जुलना बढ़ता है टेक्नोलॉजी से, ठीक है। मरीजों और डॉक्टरों से भी थोड़ा सा उठना बैठना होता है, सर्किल बड़ा होता है अपना, प्रतिष्ठा बढ़ती है समय के साथ ई क्लिनिक के द्वारा। और अब टेलीमेडिसिन जो टेक्नोलॉजी है ये भी अब थोड़ी पक्की हो गई है, मोबाइल इंटरनेट हर जगह मिल रहा है, वीडियो कॉलिंग करना सबको आता है, डिजिटल चिकित्सा के उपकरण जैसे डिजिटल स्टेथोस्कोप कि आप मरीज के छाती पे ये लगाएंगे दूर डॉक्टर को धड़कन सुनाई देगी, ये इंस्ट्रूमेंट तक तैयार हो चुके हैं, मार्केट में चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और अब समय भी टेलीमेडिसिन का सहायक बन गया है, जैसे भारत सरकार ने 25 मार्च 2020 को दिशा निर्देश जारी किए थे कि भाई टेलीमेडिसिन अब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको करो सारे उसमें चारों तरफ। कोविड कोरोना महामारी ने भी सबको बता दिया है कि यार ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर और मरीज चाहकर भी ना मिल पाए एक दूसरे से, और डॉक्टर पूरी दुनिया में इसको अपना रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो जियो का टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म है इसको जो राजस्थान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है डॉक्टरों की संस्था है जो राजस्थान की, इसमें 10,000 डॉक्टर हैं, उनका एंडोर्समेंट इसको हासिल है। IMA आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अमरोहा, ये इटावा, यहाँ कई जिलों के लोगों ने डॉक्टरों ने इसका समर्थन किया है, शाहजहांपुर कई हैं ऐसे। ये देखिए भारत का जो राजपत्र है, जो भारतीय सरकार का दिशा निर्देश है कि टेलीमेडिसिन को ओके करता है, ये है। ये मोदी जी ने कई बार वीडियो पे बोला है खुद कि हमें टेलीमेडिसिन पे कार्य करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए, ये देखिए वीडियो में बोल रहे हैं। यहाँ उनका ट्वीट है, 17 अप्रैल 2020 को उनका ट्वीट भी था कि वो चाह रहे हैं कि भारतवासी टेलीमेडिसिन में बिजनेस मॉडल करें, बिजनेस का भी इसमें थोड़ा सा एंगल डालें। तो वो देख पा रहे हैं कि किस कैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी भी इससे फायदा लाभ उठा सकता है। डॉक्टरों को भी टेलीमेडिसिन के बहुत फायदे हैं, दूर दूर के मरीजों से वो बातचीत कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस अनुभव बढ़ता है चीजों में। कई सेवानिवृत्त डॉक्टर भी ग्रामीण मरीजों की मदद करने में इच्छुक रहते हैं। और इस पूरी जो सिचुएशन है, जो एक कथा है, इसमें हमारा दृष्टिकोण रहता है हर गांव में कौन सी बोली जितना भी कर सकते हैं। देखिए कुछ ये, अगर हमारा कोई ई क्लिनिक लगता है तो उसके प्रचार प्रसार का ये कुछ सामग्री है, ये वॉल पेंटिंग 7 फीट बाय 10 फीट की पोस्टर बैनर कैसे होता है, कुछ नीचे फोटो है ई क्लिनिक की, कुछ गांव वालों की जो इससे लाभ उठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए अलग अलग किस्म के जो पोस्टर बैनर लगते हैं जो गाँव गाँव में लगा के, कस्बों में, शहरों में लगा के, जिससे थोड़ा सा और नाम फैलता है ये, अगर आप देखें इसे। और ये इसको हम एक मंदी प्रूफ बिजनेस के तौर पर भी देख सकते हैं ई क्लिनिक को। तो इसमें एक छोटी सी हमने कविता भी एक बार लिखी थी कि जियो है एक जियो मित्र ई क्लिनिक एक मंदी प्रूफ बिजनेस है कि जो मंदी के माहौल को भी ले झेल और कोरोना महामारी को भी जो दे पेल, मेडिकल के क्षेत्र में चला दे अपनी रेल, जियो मित्र ई क्लिनिक कराता है सौभाग्य से मेल। तो ऐसे ही कुछ चल रही है चीजें काफी जगह, और ये हर शनिवार शाम 6 बजे हमारा वेबिनार भी होता है, क्या इसमें प्रश्न उत्तर हैं, हम अच्छे से चर्चा करते हैं इस चीज में कि कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे इससे लाभ उठा के और
फायदा किया जाए। ये देखिए पंजाबी में है और जो भी हम क्षेत्रीय भाषाओं का भी पूरा इसमें सम्मान करते हैं, हमने तेलुगु भाषा में भी ये सब चीजें हो रही हैं, पंजाबी में भी हो रही हैं। ये देखिए तेलुगु भाषा, तेलंगाना में भी जियोमेट्री क्लिनिक लगे हुए हैं। आज की डेट में 156 ई क्लिनिक इधर उधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में ये लगे हुए हैं ई क्लिनिक्स। ये देखिए कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ फोटो हैं, काम करते हुए, बात करते हुए लोगों से। ये देखिए आप एक पिक्चर, ये फोटो है, ये गांव के उसमें सेटिंग में एक मरीज एलईडी टीवी से डॉक्टर साहब से बात कर रहा है जो दिल्ली में बैठी है। देखिए ये है उन्नत टेक्नोलॉजी का एग्जांपल कि हर जगह प्रकाश पहुंच पाए इस चीज का। आप देखिए एक प्रधान जी सम्मानित करते हुए, ये फिरोजाबाद में एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है टीवी अंदर से ये दिखाने के लिए कि देखिए ऐसे चीजें चल रही हैं अंदर से बाहर से, कोई इवेंट में इधर उधर चारों तरफ। और ये एक हमारा इसमें ई क्लिनिक में क्या क्या सामान होता है कि एक प्रिंटर, एलईडी टीवी, एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स, और अगर आपको उपकरण चाहिए तो डिजिटल स्टेथोस्कोप, पल्स ऑक्सीमीटर, ऐसे इत्यादि कई ऐसे वो हैं उपकरण जो मुहैया करवाए जाते हैं। ये देखिए प्रक्रिया भी बहुत सिंपल है, ऐप में आपने सिंपल नाम डाला पेशेंट का और देखा भाई इसकी क्या दिक्कत है, कान की है, नाक की है, आंख की है, पेट की है, टांग की है, जो भी देखा आपने उस हिसाब से डॉक्टर को करा सिलेक्ट। उधर डॉक्टर साहब की आ गई कॉल बैक, वीडियो कॉलिंग शुरू, कॉलिंग के बाद पर्चा आ जाएगा ऑनलाइन और जो आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं या प्रिंटर से दे सकते हैं, और उसके बाद कस्टमर केयर जो है हमारी वो उनसे निरंतर संपर्क में रहती है मरीज से। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मरीज को, जिस दिन परामर्श होगा उस दिन कस्टमर केयर बात करती है, अगले दिन करती है और अगले हफ्ते, ताकि सब कुछ पता लगता रहे कि क्या चल रहा है मरीज के साथ। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर ई क्लिनिक लगाना है कहीं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हर गांव में एक ही ई क्लिनिक लगेगा और शहरी क्षेत्रों में हर 2 किलोमीटर पे एक ई क्लिनिक लगेगा। तो अगर आपके गांव में कोई नहीं है तो ये सुअवसर है उसको बुक करवाने का, आप आज ही बुक करवाएं ताकि आपको चिंता ना रहे कि कल कोई दूसरा ना करवा ले, कोई पड़ोसी ना करवा ले, दूसरा डॉक्टर ना करवा ले, क्योंकि हर गांव में केवल एक ही होगा। ये इसकी बुकिंग सिंपल है, ऑनलाइन आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, कैसा भी हो पाए, बाकी भुगतान 10 दिनों के भीतर करके ही आपके यहाँ किट लगवाने हमारी टीम पहुंच जाएगी। और एक हम ई कैंप भी लगवाते हैं आपके यहाँ, जिसमें आपके मरीज को मुफ्त में हमारे डॉक्टर एक दिन देखते हैं, जिसमें आपका पर्चा भी पूरा, आपका लैब, आपकी जांचें आपकी, और थोड़ा कमीशन वो भी हो जाता है। हम आपकी सहायता में हमेशा तत्पर हैं, ऐसा नहीं कि किट देख के हम गायब, नहीं, हमारा हर शनिवार ये सिस्टम चल रहा है, कभी भी आप हमसे और सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, किसी से भी संपर्क रख सकते हैं। हमारा हमने तो ठाना हुआ है कि गांव गांव ई क्लिनिक लगाना है, गांव गांव, ऐसा नहीं कि 25 गांव में लगा के रफू चक्कर, नहीं, ये तो 1,00,000 गांव में हमें लगाना है। हम आपको सभी विशिष्टताओं के डॉक्टर उपलब्ध करवाते हैं, 300 डॉक्टर जियो के प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में उपलब्ध है। डिजिटल चिकित्सा के उपकरण, पैथोलॉजी लैब से टाइप, मेडिकल स्टोर से टाइप, ऑनलाइन मेडिकल डिलीवरी उसकी सुविधा भी है अगर चाहिए किसी को, और आपके क्षेत्र में आपके ई क्लिनिक का प्रमोशन ताकि लोगों को पता भी चले। जैसे कल ही हमारा एक कैंप हुआ था जालौन में एक जगह, जिसमें 25 के करीब मरीज मुफ्त में हमने देखे थे और जो ई क्लिनिक था उन्होंने काफी इसका लाभ उठाया इस चीज का, और उनका प्रचार प्रसार तो हुआ ही। अब इसमें कमाई की क्या संभावनाएं हैं, देखिए 3 प्रकार की कंसल्टेशन उपलब्ध होती हैं, MBBS, MD और DM। MBBS होती है 150 रुपए की, MD 350, सुपर स्पेशलिस्ट है 550 रुपए की, जिसमें आपको 50, 75 और 75 रुपए का आपको शेयर मिलता है, बाकी होता है डॉक्टर साहब का और प्लेटफॉर्म का।
जो मरीज है आपको वो किसी भी माध्यम से पैसा भुगतान कर सकता है, नगद डेबिट कार्ड जैसा भी आपको लेना हो, और आप जियो ऐप के द्वारा या तो वॉलेट में रिचार्ज करवा सकते हैं या हमारे आप वहाँ पे किसी को जो व्यक्ति है जियो का उसको कैश दे सकते हैं रिचार्ज करवाने के लिए। सिंपल सिस्टम है, पैसा ऐप में डाला, उतनी कंसल्टेशन आपको मिल गई, जब चाहे करवा ली, मोबाइल से चाहे अपना स्कूटर पे निकल गए, साइकिल पे निकल गए, वहाँ किसी मरीज की करवा दी या कोई आपके क्लिनिक में आए उसकी करवा दी। इसमें तीन किस्म से आप पैसा कमा सकते हैं, एक तो परामर्श शुल्क में हिस्सेदारी, दूसरा है दवा की बिक्री जिसमें हम कोई कमीशन नहीं लेते आज की डेट में, कोई कमीशन नहीं, पूरा कमीशन आपका, लैब टेस्ट, जांचों में हम कोई कमीशन नहीं लेते, पूरा कमीशन आपका। तो मोटा मोटा 150 रुपया प्रति मरीज कमाने की अच्छी संभावना है। अगर आप मरीज मान लीजिए दिन के 3 मरीज भी अगर हो पाते हैं तो महीने के 90 हुए तो ये 13,500 की बात बन जाती है। कोई रेंटल नहीं है, कुछ नहीं है इस चीज में। हम आपको इस सिस्टम चलाने का एक प्रमाण पत्र भी देते हैं इस चीज का, कि ये आप प्रमाण पत्र रख सकते हैं अपने पास कि आप चला रहे हैं जियो मित्री क्लिनिक। ये देखिए एक फोटो है, डॉक्टर साहब और मरीज बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, एक पर्चे की फोटो है, पर्चा कैसे दिखता है, डॉक्टर का पूरा नाम होता है पर्चे में। और ये देखिए ऐप, ये जो ऐप है ये आप खोलते ही, सिंपल ऐप है, बहुत साधारण, बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करने वाली ऐप। पेशेंट का नाम डाला, नीचे डॉक्टर सिलेक्ट करिए आप कि भाई साहब कौन से डॉक्टर से बात करनी है, हड्डियों वालों से करनी है, दिमाग वाले से, दिल वाले से, किससे। वहां पे क्लिक किया, कंसल्ट पे बटन दबाया, बस खत्म। डॉक्टर साहब की उधर से बैक कॉल आएगी और बातचीत शुरू। और अगर आपको किसी की जांचों की फोटो डालनी है, ब्लड रिपोर्ट या टेस्ट रिपोर्ट डालनी है या कुछ करना है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं उसी में, एडवांस ऑप्शन में बटन दबा के। ये देखिए एक छोटा सा फोटो है कि डिजिटल स्टेथोस्कोप जो लग जाता है, जो मरीज की छाती में यहाँ लगाओ, दूर डॉक्टर साहब को धड़कन सुनाई देगी, वो ऐसा दिखता है, ऐसा ये रिकॉर्ड कर लेता है, ऊपर नीचे धड़कन और दिल की आवाज, छाती की आवाज, ये सब कैप्चर कर लेता है, सब पकड़ लेता है। और आप अगर हमसे क्लिनिक लेते हैं तो उसके बाद सुबह हमारी कस्टमर केयर सदैव आपके संपर्क में रहती है, सुबह 9 से रात 8 बजे तक डेली। आप हमारी जो स्थानीय स्टाफ है उनसे भी मिल सकते हैं, अभी 45 जिलों में हमारे खुद का स्टाफ है, चाहे आप जौनपुर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, गाजीपुर, मथुरा, आगरा, मुरैना, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, झांसी, टीकमगढ़, जबलपुर, कटनी, आप काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारी खुद की स्टाफ है, उपलब्ध है, जो पूरा यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान को कवर करती है और तेलंगाना भी काफ़ी कवर हो रहा है। और समस्याओं को सुलझाने के लिए, बातचीत करने के लिए हम नियमित वेबिनार भी करते हैं इसी प्रकार के, कि क्या हो रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, मित्रों की तरह। जो जियो मित्र ई क्लिनिक हमने लिखा है उसमें मित्र का अर्थ है कि मित्र की तरह ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई सेठ की तरह नहीं हम आपसे बात कर रहे हैं। और आपकी ग्राउंड प्रमोशन का भी पूरा सपोर्ट करते हैं हम, स्वास्थ्य शिविर, आशा कार्यकर्ताओं से लिंकअप में सहायता, कम्युनिटी रीच आउट और स्थानीय क्षेत्र में फेसबुक विज्ञापन, और सभी उपकरणों की 1 वर्ष की वारंटी भी होती है। तो देखिए ये है छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए जियो मित्र क्लिनिक क्या है। हमारे साथ डॉक्टर मेघना शर्मा भी हैं जो एक काफी बड़ी डॉक्टर हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, वो भी कुछ। हेलो डॉक्टर मेघना जी। नमस्कार, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब वैसे सिद्धार्थ ने सब बता ही दिया है कि जो टेलीमेडिसिन है वो एक सरकार के द्वारा जो है प्रमाणित तरीका है मरीजों को देखने का। तो और हम ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से ये कर रहे हैं और 4,000 से ज़्यादा तो मरीज मैं ही देख चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है इस सब के लिए। अलग अलग तरह के मरीज आते हैं,
और अलग अलग कठिनाइयाँ आती हैं, उनमें से काफ़ी मरीजों को काफ़ी लाभ मिला और 80% जो मरीज थे हमने ऑलमोस्ट उनको पूरा इलाज किया। जिनको कुछ ज़्यादा दिक्कत थी या कुछ ज़्यादा सीरियस दिक्कत थी उनको भी गाइड किया, वो भी आगे आके दोबारा उन्होंने बताया कि उनको कैसे उन्होंने इलाज अपना शहर में जाके करवाया और हमारी गाइडेंस से उनको जल्दी उपचार लेने में फ़ायदा रहा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही और ई क्लिनिक्स हर गांव में खोलें ताकि जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है वहां पे हम और मरीजों तक पहुंचे और अनुभव प्रयास करें जिसकी हो सके मदद करें। और जो ई क्लिनिक ऑपरेटर्स हैं हम चाहेंगे कि वो पूरा दिल खोल के हमारे साथ बिना किसी हिचकिचाहट के साथ आए और मिलके हम भारत की स्वास्थ्य सेवाएं आगे लेके जाए। धन्यवाद डॉक्टर मेघना। मैं ये बता दूं कि डॉक्टर मेघना एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं जो 15 साल का एक्सपीरियंस है इन्हें मेडिकल कॉलेज अमृतसर, मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, मैक्स अस्पताल मोहाली, कई जगह का, और इन्होंने 4,000 मरीज तो जियो पर ही देख लिए हैं पिछले 1.5 साल में। और ये चीज़ परस्पर जारी है और बहुत ही इन्हें अनुभव है इस चीज़ का। कई जालौन में तो इन्हें अब कई गांव में कहते हैं ये तो हमारे लोकल डॉक्टर हैं, इतना उठना मतलब इतनी बातचीत होने लगी है इतने ग्राम प्रधानों में, इतनी बहनों में, वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा एक अनुभव चल रहा है उस तरफ, और इसी को हमें आगे लेकर जाना है। और अब मैं जो अविल जी हैं मैं उन्हें कहूँगा, वो दो शब्द गए यहाँ पे। और अविल हमारे साथ हैं जियो में और ये IIT रुड़की के काफ़ी ये विद्यार्थी हैं जो काफ़ी इन्होंने गोल्ड मेडल भी वहाँ प्राप्त किया और ये काफ़ी ऊंचे पदों पर रहे भारत की विशेष कंपनियों में, कई बड़ी बड़ी कंपनियों में। और ये अब हमारा काफ़ी UP बिहार में काफ़ी प्रभार इन्होंने संभाला हुआ है। तो अविल कुछ कहेंगे? धन्यवाद सिद्धार्थ। जैसा कि सिद्धार्थ ने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई, डॉक्टर मेघना ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप सभी के दिमाग में जब आप आते हैं, आप एक नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं, तो बहुत वाजिब सवाल है कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, इससे क्या होगा। इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो हमारे सिद्धार्थ ने आपको बताया 146 एक्टिव ई क्लिनिक हैं जो हमारे इस समय चालू हैं, जहाँ पे काम चालू है, और हमारे पास 300 डॉक्टर हैं। आप समझिए, जब हम 1,00,000 के नंबर पर पहुँचेंगे तो हमारे डॉक्टर भी 50,000 होंगे। हमारी मेंटेलिटी सोचिए आप, हम 150 क्लिनिक पर 300 डॉक्टरों को अपने पास रखते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, आपके पास कोई भी मरीज आता है उसका समय पे परामर्श मिल सके, समय पे उसका हम जो अपनी तरफ से अच्छा उपचार करा सकते हैं वो करा सकें। और एक दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, हम यहाँ पर ई क्लिनिक सेलिंग का ही मोटिव नहीं है हमारा, हम ये नहीं चाहते हैं हमारा ई क्लिनिक सेल हो जाए। हम ये चाहते हैं हमको 1,00,000 गांव में पहुंचना है, जियो को 1,00,000 गांव में पहुंचना है। इसका मतलब है हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे साथ सहभागी बने इस जो भी हम सफलता की तरफ जाना चाहते हैं, आप सब हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम एक गांव में एक ही क्लिनिक लगा सकते हैं ताकि हम उस गांव को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। इसीलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी, आप जल्दी से जल्दी आकर अपना एक क्लिनिक बुक कराएं ताकि हम आपके साथ जुड़ के उस गाँव में वहाँ के लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य दे सके, उनको जो समस्याएं होती है उनका निवारण कर सके। और दूसरा, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ई क्लिनिक लगाने के बाद आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, आपको सफल बनाना हमारी प्राथमिकता होती है, हम आपको छोड़ते नहीं हैं, हम चाहते हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा मरीज आए, आप अच्छे से अच्छी तरीके से अपने गाँव में विकास कर सके, स्वास्थ्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपको अपना निर्णय लेना है, हमारे साथ आके जुड़ना है, बाकी हम लोग मिलके करते हैं।
आप अकेले कुछ नहीं करते हैं, जिसमें ये आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे। बाकी मन में जो भी कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, हम चाहते हैं आप आए, अपनी जो भी मन में आता है एक फैमिली की तरह आके डिस्कशन करें, ताकि हम आगे अपना काम को बढ़ा सकें। सही बात, धन्यवाद अविल। तो अब हम थोड़ा प्रश्न उत्तर राउंड पे जाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई है विचार, आप बताइए कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे हर गांव में अस्पताल लगाया जाए। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, आशीष बात कर रहा हूँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी आशीष। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि कोई पेशेंट आया किसी क्लिनिक पर और उसको चोट लगी हुई है, वो गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया और उसको चोट लगी हुई है, तो फिर हम उनकी हेल्प कैसे कर पाएंगे? देखिए अगर तो इमरजेंसी का अगर केस है तो सदैव उसको नियरेस्ट अस्पताल पे लेके जाना है। और डॉक्टर मेघना शायद अगर आप कहना चाहें इस पे कुछ। हेलो, हाँ जी, देखिए इमरजेंसी केस जी, में जी एक बारी दोबारा जरा बताएंगे मुझे प्रश्न इमरजेंसी केस में। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे कोई पेशेंट है, अचानक से उसको वो बाइक से एक्सीडेंट हुआ और वो ई क्लिनिक पर आया, तो हम उसकी क्या हेल्प कर पाएंगे, उसे कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? जी अगर तो देखिए आपका मरीज ऐसे में कई बार हमें ऐसे कई बार मरीजों का आ जाता है फोन, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अस्पताल उनसे काफी दूर होता है, तो एक दो बार हमने ऐसे किया है कि हमने जैसे मरीज को ऑनलाइन चेक किया और फिर डॉक्टर को जैसे समझाया कि इनको ग्लूकोज लगाएं और ये इंजेक्शन लगाएं और तुरंत इसको आगे अस्पताल ले जाएं। ठीक है, ऐसे में उस तो टाइम के लिए उसे थोड़ी हेल्प मिल जाती है दूसरे अस्पताल तक जाने तक के लिए। जी जी जी, देखिए जैसे अगर मरीज का एक्सीडेंट हो गया तो सबसे ज्यादा क्या है कि ब्लड लॉस होने का है, जान जाने का चांसेस ही होते हैं कि ब्लड लॉस हो रहा है मरीज को, है ना। तो ऐसे में अगर हम उसको एक या दो ग्लूकोज की बोतल भी जल्दी से लगा दें तो मरीज को काफी फायदा होता है, है ना, और मतलब जान शायद बच सकती है। तो थोड़ा सा हम एडवाइस कर सकते हैं, पर हम ये भी कहते हैं कि अगर दूर है तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। हाँ, हम देखिए मैं सभी मरीजों को ये बताती हूँ कि इमरजेंसी में अगर आपके पास अस्पताल है तो तुरंत आप अस्पताल जाएं। अगर आपके पास कोई मतलब अगर जैसे आपके ई क्लिनिक पर ले आए हैं मरीज को, हाँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मरीज को आगे लेके जा रहे हैं और रस्ते में आप हमसे बात कर लें, ताकि हम आपको एडवाइज कर दे कि आप बीच में क्या कर ले ताकि मरीज को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, मतलब मरीज थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। हाँ, प्रारंभिक जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, ये ऐसे हो जाए और मरीज थोड़ा सा ठीक हालत में अस्पताल पहुंच जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? सर मैं दीपक बात कर रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे कि किसी डॉक्टर ने मरीज को देखा तो उसको क्या दोबारा वही डॉक्टर मिल पाएगा या डॉक्टर चेंज हो जाएगा? डॉक्टर वो मिल सकते हैं सारे, हमारे सारे डॉक्टर जो है वो नाम, हाँ वो अवेलेबिलिटी है, सभी डॉक्टर अपने नाम के द्वारा ही सर्व करते हैं, उपलब्ध रहते हैं। ओके सर, थैंक यू। और इसमें दीपक जी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास चॉइस होती है, जैसे कि आपने डॉक्टर मेघना को दिखाया, कल आपको लगता है कि आपने एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपके पेशेंट को डॉक्टर मेघना का ज्यादा बेनिफिट होता है, उनकी बातें ज्यादा समझ में आती हैं, तो ये आप सेलेक्ट करते हैं, आप अपने हिसाब से हमारे प्लेटफॉर्म से सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा डॉक्टर चाहते हैं। सर यहाँ पर एक कंडीशन ये है ना, ये प्लेटफॉर्म मरीज के लिए नया है तो उसे कुछ नहीं पता कि डॉक्टर क्या करेंगे, मतलब क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो तो एक एक्सपीरियंस लेके ही पता चलेगा, अब वो रैंडमली ऐसे चॉइस नहीं कर सकता ना, वो चाहेगा एक ही बार में मुझे अच्छा डॉक्टर मिल जाए।
बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी आपने, ये जो पॉइंट आपका था कि क्या दोबारा वही डॉक्टर मिलेगा, ये उसका आंसर था कि दोबारा लेने आपको फर्स्ट टाइम में हमारी टीम सजेस्ट कर सकती है इसके लिए कौन अच्छा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं आपके 6 महीने बाद आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी चीज के लिए मेरे को कौन सा डॉक्टर अच्छा लगता है, जो अच्छा रिस्पॉन्स देता है, जिसका रिजल्ट अच्छा आता है, वो भी आपका होती है। थैंक यू सर। बहुत बार इसमें यही होता है कि 2-4 महीने बाद कोई अगर क्लिनिक चला रहे हैं तो उनको ऐसा होता है किसी इन डॉक्टर से ज्यादा अच्छा उनको लगता है बातचीत करना, तो वो अपने पेशेंट उन्हीं से दिखाते हैं, तो वो अपने सब अपने चूज कर लेते हैं जिसको जैसा अच्छा लगे बेसिकली। जी जी दीपक जी, इसमें केवल हमारा पॉइंट ये है, हम कोई डॉक्टर आपके ऊपर थोपते नहीं है, वो पूरा फ्रीडम, हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा इलाज हो, हमारा उद्देश्य केवल इतना होता है। जी सर, वो मैंने भी प्रेजेंटेशन में सुना कि हम डॉक्टर से मतलब मरीज को सपोर्ट भी देते हैं, उसके बाद उसका फीडबैक भी लेते हैं कि क्या सपोर्ट रहा, वो सर सारी चीजें मैंने अच्छे से समझी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा सर, मैं जो क्लिनिक खोलना चाहूँ तो मुझे कैसे मतलब कैसे शुरू करना होगा, मेरे को थोड़ा सा एक बार फिर से बता दें, मैं समझ नहीं पाया कि कैसे शुरू करना है, आप सर्टिफिकेट देंगे कैसे करना है वो बताएं जरा। आप सर अपना नाम बताएंगे जरा। मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, कमलेश जी देखिए, ई क्लिनिक शुरू करने का क्या तरीका होता है, पहले तो आप अगर गांव से हैं तो आप अपने गांव का नाम बताएं तो हम चेक करते हैं कि यहाँ ई क्लिनिक लगा तो नहीं हुआ, ठीक है, और अगर मान लो नहीं है, या अगर शहर है तो हम देखते हैं कि 2 किलोमीटर में तो नहीं लगा हुआ, अगर वहां नहीं है तो पहले आप अपनी लोकेशन को करवाते हैं बुक, ठीक है जी, और उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करती है, संपर्क में हमारी कस्टमर केयर टीम और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आपसे बातचीत करते हैं, और फिर आपसे डिस्कस करके वो एक डेट तय करते हैं कि इस दिन हमारी टीम सामान के साथ आएगी और आपके यहाँ किट को लगवा देगी, और हम साथ में वीडियो फोटोग्राफर वगैरह भी लाते हैं ताकि उसका अच्छे से प्रचार मतलब कैप्चर हो जाए, पूरी ओपनिंग सेरेमनी। देखिए, हम आपको कोई वीडियो भी भेजेंगे कि जिसमें हमने लोगों ने मतलब पूजा पाठ भी करा है कई जगह, पूरा पंडित जी बुला के पूरा उसका किया है कि गण्यमान्य तरीके से बढ़िया तरीके से शुरू हुई है, और जब वो हो जाता है तो उसके 2 हफ्ते में हम एक शिविर भी लगाते हैं, हेल्थ कैंप का शिविर, जिसमें आपके मरीज मुफ्त में हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं 1 दिन के लिए, ठीक है, उसके लिए पर्चे वगैरह भी कटवाते हैं तो हम मदद करते हैं, सारा डिजाइन पोस्टर वगैरह सब हम आपको देते हैं, और हम मुनादी के लिए भी हम मुहैया आपकी मदद करवाते हैं उसमें, ठीक है, कि आपकी उस एरिया में मुनादी हो, कि एक ऑटो में कुछ पोस्टर वगैरह लग के कि आपका एक क्लिनिक की ओपनिंग हुई है, इस चीज में हम ये करते हैं। सर मैं अभी जैसा मेरा अभिषेक सर से भी बात हुई थी, वहाँ पर सर जहाँ लगाएंगे क्लिनिक उसकी भी तो कुछ क्वालिफिकेशन गाइडलाइन होगी ना। देखिए दीपक जी, आपके पास जो सुविधा होंगी स्टार्टिंग में ई क्लिनिक के लिए, हमारे पास जो सिस्टम होता है, हम चाहते हैं एक पेशेंट हो, और हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा, हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं बेसिकली क्लिनिक के अंदर, हम चाहते हैं एक आपके पास एक कमरा हो जिसमें कि कनेक्शन हो, बिजली का स्विच हो, ये बेसिक चीजें अगर आपके पास हैं तो हमारी टीम वहां पे उसके लिए प्लान कर पाती कौन सी लोकेशन पे क्या हम कर सकते हैं, हम उस कंडीशन कर पाते हैं। सर जिसके यहाँ लग रहा है उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए हमें? उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी, अगर मान लिया आप उस फील्ड से हैं, आप प्राइमरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर आपके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, अगर आप गांव में प्राइमरी कुछ काम करते हैं हेल्थ केयर के अंदर। जी भाई, 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 भाई दीपक जी, हमारे यहाँ डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर हमारे क्वालिफाइड होते हैं, आप केवल टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो टेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर सकते हैं। सर अगर मान लीजिए किसी को बीपी चेक कराना है किसी, वो वहां से तो चेक होगा नहीं, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होगा यानी सपोर्टिंग डॉक्टर होंगे वही चेक करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें तो सर हमें देखना होगी ना कि वो बंदा, वरना तो हमारा क्लिनिक का भी नाम खराब होगा।
दीपक जी आपने बिल्कुल ठीक बोला ये चीजें, यही हमारा स्टार्टिंग में जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं बीपी ग्लूकोमीटर कैसे यूज करते हैं ये बेसिक चीजें की हम ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए मैंने बोला आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, आपको पता होगा हर चीज का डिजिटल सिस्टम अवेलेबल होता है, तो हमारा वही होता है आप जब एक निर्णय करते हैं कि हाँ हमको ई क्लिनिक लगाना है, हम चाहते हैं ई क्लिनिक के साथ जुड़ना, हम आपको उसके लिए ट्रेन भी करते हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ पाए। बाकी सिद्धार्थ कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, नहीं एकदम सही कहा अविल आपने। तो इसमें दीपक जी देखिए पूरी ट्रेनिंग हमारी टीम देती है सभी उपकरणों की जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। दूसरा कस्टमर केयर संपर्क में रहता है, नंबर आपके पास या स्टाफ या जो भी चलाएगा उसके पास रहता है, ठीक है। और तीसरा अगर आप समझें ई क्लिनिक चलाना एक हॉस्पिटल मैनेजर का काम होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अपना परामर्श देंगे, पैथोलॉजी लैब वाले सैंपल निकालेंगे, मेडिकल स्टोर से दवा के लिए टाई अप होगा। तो ई क्लिनिक ऑपरेटर का जो काम है वो एक तरीके से हॉस्पिटल मैनेजर का है, जिसके लिए हम उसको पूरा सहयोग करते हैं। सर संजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ। हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए संजय सर। हाँ जी सर, योगेंद्र जैन बात कर रहा हूँ। बोलिए योगेंद्र। हेलो हेलो, मैं सर मध्य प्रदेश ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मुझे ये जानकारी चाहिए ग्वालियर में इसका ऑफिस है कहीं मध्य प्रदेश में अभी कि नहीं है कहीं? झांसी में देखिए है, आपके निकटतम झांसी है जहाँ पर ऑफिस है हमारा। हाँ जी ओके। और बल्कि हमारी जो टीम मेंबर है वो आपको भिंड में भी मिलेंगे, जालौन में भी है और झांसी इस क्षेत्र में है, आगरा मथुरा में भी है। तो आपसे पूरा मथुरा। हेलो संजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ सर। सर संजय जी एक सेकंड रुकिए, भी योगेंद्र जैन जी का रिस्पोंड कर देते हैं पूरा। और जैन सर हमारे टीम एमपी में कई जगह पर है, जबलपुर में भी हमारी टीम है, जबलपुर के अंदर भी हमारा नेटवर्क है, भोपाल में भी। सर इंदौर में है क्या अपना नेटवर्क? इंदौर में हम प्लान कर रहे हैं, हमारे अभी नेक्स्ट एक या दो मंथ में भी चालू हो जाएगा। सर जबलपुर में किस जगह है उसका कोई कांटेक्ट नंबर या कुछ मालूम पड़ सकता है? सर आप ना ई क्लिनिक को समझिए, हमारे को ई क्लिनिक हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे मैं ई क्लिनिक मैं समझ चुका हूँ, जैसे मैं विजिट करना चाहूँ मैं जबलपुर के आसपास ही रहता हूँ इसलिए मैं कह रहा था। तो आप हमारा मेरा क्या है कर सकते हैं वही चीज में, अगर आपको ई क्लिनिक विजिट करना है जैसे सिद्धार्थ ने बताया तो झांसी जालौन भिंड अमरोहा यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा, ललितपुर विजिट करना पड़ेगा। आप हमारी साइट पर भी देख सकते हैं एक एक ई क्लिनिक वहाँ पे वीडियो भी दिखाई दे जाएगा अगर आपको विजिट करना। इसमें मैं दो लाइन और कहूँ तो जोगेंद्र जी, जैसे जबलपुर में हमारे एक टीम मेंबर हैं जो आपसे संपर्क में रहेंगे, संदीप त्रिपाठी जी उनका नाम है। और अगर आपको ई क्लिनिक देखना है तो एमपी में अभी हमारे पन्ना जिले में ई क्लिनिक है, टीकमगढ़ में है, मुरैना में है, निवाड़ी में है। मुरैना में है सर? मुरैना में है ई क्लिनिक, मुरैना में। अच्छा अच्छा ठीक है, इसकी लोकेशन जानकारी कहाँ से मिलेगी मुरैना वाले की? आपसे हमने संपर्क अभी कर लेंगे, आपको बता देंगे। हेलो थैंक यू सर। हम उससे एक बार फीस लेते हैं और डॉक्टर को दिखवाते हैं, MBBS दिखवाते हैं या हम सुपर स्पेशलिस्ट को या स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं और उससे फीस लेते हैं, उसको नेक्स्ट डे आराम नहीं लगता है या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने हैं जो वो लेता है और उसके बाद भी उसे कोई डिसीज है या कोई बीमारी ऐसी है जो उसको ठीक हो जाना चाहिए एक दो दिन में, तो अगर वो नेक्स्ट डे कंसल्ट करना चाहता है डॉक्टर से तो फिर कैसे करेंगे और क्या उसके लिए अपन एक्स्ट्रा फीस लेंगे या उसी फीस में सेम डॉक्टर हमें कंसल्ट करेगा? मेरे ख्याल से डॉक्टर मेघना इस चीज का रिस्पोंड करेंगी, तो वो डॉक्टर वो ज्यादा अच्छा रिस्पोंड कर पाएंगी। डॉक्टर मेघना जी, एक्चुअली क्या है कि जो भी हमारे जनरल डॉक्टर हैं
वो एक हफ्ते तक जो रीविजिट है पेशेंट का उसको फ्री देखते हैं, ठीक है। अगले ही दिन अगर एकदम से मरीज को कोई बहुत दिक्कत आ गई है तो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट की कॉल भी हम फ्री में करवा देते हैं। बट अगर मरीज जो जनरल डॉक्टर है वो एक हफ्ते तक रीविजिट फ्री देखता है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो तीन दिन तक अगला विजिट फ्री देखता है, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंसल्टेशन है अगली बार देनी पड़ती है जी। अगर ये है कि मरीज को बाई चांस बहुत ही कोई दिक्कत आ गया है कि दवाई खाने से कोई रिएक्शन हो गया तो वो कॉल फ्री में जाता है। हेलो हेलो हाँ सर, आशीष बात कर रहा हूँ सर। मैं ये पूछना, आपने बोला था कि हम लोग 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं। आशीष आशीष संजय जी एक सवाल पूछ रहे हैं, एक सेकंड जरा होल्ड करिए सर। सॉरी आई एम ओके ओके सर। हाँ संजय जी कंटिन्यू करिए। हेलो बोलिए संजय जी। जी 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 बताइए। अरे संजय जी, संजय त्रिवेदी जी, शायद उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू हो गया है। आशीष आप कह रहे थे कुछ। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी आपने बोला था कि 2 मंथ्स के ड्यूरेशन में हम लोग एक मतलब हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें हमारे डॉक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट 1 डे चेकअप करते हैं, तो क्या वो चेकअप ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है सर? ऑनलाइन होता है पर 2 मंथ में नहीं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। अच्छा ऑनलाइन ही करते हैं वो चेकअप भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सर? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके थैंक यू। देखिए आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, वो एक ऐसा मौका होता है जब आप अपने गांव के सभी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कैंप में, ताकि वो समझ सके किस तरीके से इलाज होता है। वहां पर लोग आते हैं, आपकी भी प्रतिष्ठा बढ़ती है जब आप 15-15, 20-20 लोगों को आकर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको फायदा मिलता है, उनका विश्वास बढ़ता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। हेलो नमस्कार यूमित क्लिनिक। नमस्कार। हेलो हाँ जी बोलिए। नमस्कार सिद्धार्थ भाई। हाँ जी नमस्कार जी। मैं उदेश कुमार बोल रहा हूँ, मैं आलोम से रेंडर से। अच्छा हाँ जी अवधेश जी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया है। हाँ जी नेटवर्क थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ जी क्लिनिक हम लोग जितना अभी चल रहा है, पेशेंट भी घर से कम निकल रहे हैं, और जैसे कि हम पेशेंटों को दिखाते हैं तो पेशेंट पैसा उधार कर जाता है, कभी 50 दे दिए और दे दिए 50 निश्चय के पैसे, और उसको दिखा दिया डॉक्टर ने, फिर दवा लिख दी, और दवा जब उनको देते हैं फीस लेते हैं तो फीस के लिए बस बोलते हैं हम कल दे जाएंगे, परसों दे जाएंगे, हम कल आएंगे दिखाने, 3 दिन बाद आएंगे दे जाएंगे, फिर वो लोग फीस देने नहीं आते सर। इसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि हम जियो मित्र में रिचार्ज तो बराबर अपनी तरह देखिए, तो मैं ऐसे रिस्पोंड करना चाहूंगा, गांव में आप बैठे हो। बोटु कैसे दिख रहा है? हेलो 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 जी मेंबर्स। हेलो नहीं देखे हम वो लोग माइक खोले जो बात कर रहे हैं, बाकी लोग म्यूट कर दिया करो। हेलो हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मोहम्मद शाहनवाज बात कर रहा था सर। हाँ जी मोहम्मद शाहनवाज जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ई क्लिनिक जो चल रहा है अपना, वो किसी को चाहिए
तो जो जो आपके फील्ड मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं लड़के, तो वो किस तरीके से उनसे संपर्क करें जिसको लेना चाहिए, लेना है ई क्लिनिक? हाँ जी शहनवाजी, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाया, सॉरी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप क्या बोलना चाहते हैं? सर हम दोबारा से दोहरा रहे, सर हम ये बात कर रहे हैं जैसे कुछ लड़के फील्ड मैनेजमेंट का काम देख रहा है ई क्लिनिक के लिए, तो वो कैसे किस तरीके से उनसे संपर्क, उन लोगों से संपर्क करें जिनको ई क्लिनिक चाहिए? जिनको ई क्लिनिक चाहिए, देखिए ये तो हाँ सर, वो जो हाँ जी शहनवाज जी मैं बताता हूँ, बोले बोले सर, ये तो बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली, तो जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, ये तो जैसे कि अभी हम वेबिनार कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग आए हुए हैं, आप जैसे आए हुए हैं यहाँ से संपर्क कर सकते हैं अपने लोगों से, जो फील्ड में लोग हैं वो जब में जाते हैं वहां पर इंफॉर्मेशन मिलता है, गाँव में कौन कौन है जो हेल्थ केयर के फील्ड में काम कर रहे हैं, जहाँ पे ये क्लिनिक लगा है उनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल सकता है। जी सर, मतलब इसमें ये तो बहुत सारे तरीके, ऑनलाइन जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी जगह पर कितने गांव हैं, कितने। सिद्धार्थ ने आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखाई जिसमें उन्होंने दिखाया WHO की स्पीक क्या कहती है, देश में कितने डॉक्टर्स हैं, देश में गांव हैं, ये सब वर्किंग किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। जी सर जी, हेलो, अच्छा हेलो सर, हेलो सर, मेरा नाम अविरल प्रताप सिंह है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सपोज दैट कि कोई ऐसा पेशेंट आता है ई क्लिनिक में जिसको सर कोई बीमारी है लेकिन वो ओपनली फोरम में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहता है। हाँ जी। हाँ तो सर, क्या वो पेशेंट क्या उस डॉक्टर से पर्सनल कांटेक्ट करके या कोई ऐसा माध्यम हो जिससे वो डायरेक्टली डॉक्टर से ही बात करके पेशेंट अपने मतलब जो बीमारी है उससे उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया। ऐसे कई बार ऐसी महिलाएं, जी जी जी, ऐसे कई बार कई महिलाएं होती हैं जिनको क्लिनिक में बैठ के ऐसे बताना नहीं अच्छा लगता, तो वो क्या करते हैं कि वो सेपरेट कमरे में जाके अपना मोबाइल साथ में ले जाते हैं और वहां डॉक्टर के साथ बात कर लेते हैं। तो ये बहुत कॉमन है कि वो अपना, क्योंकि ये मोबाइल है स्क्रीन की जगह, वो सिर्फ डायरेक्ट मोबाइल पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कमरे में चले जाते हैं और डायरेक्ट डॉक्टर और पेशेंट की बात होती है और तीसरे किसी कोई व्यक्ति नहीं होता वहाँ जी। और फिर जब कुछ सजेशन करना होता है तो हम डॉक्टर को या ई क्लिनिक ऑपरेटर को एडवाइस कर देते हैं, नहीं तो डॉक्टर ही समझा देते हैं, तो बहुत कॉमन होता है। और इसी में मैं आपको एक आंसर और देना चाहूंगा, इस तरीके का हमारे पास भी एक अलग प्रोडक्ट भी होता है, अगर हमको पता है कि आप चाहते हैं कि आप ई क्लिनिक पे ना आके आप पेशेंट के घर पे जाके बात कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्पेशल पेशेंट को कुछ अलग से कराना चाहते हैं, तो हमारे इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं जो हम आपको सुविधा प्राप्त करा सकते हैं। वो भी हमारा एक टैबलेट कॉन्सेप्ट भी होता है ई क्लिनिक में, जिसमें हम वो भी सुविधा प्राप्त कराते हैं ई क्लिनिक को। अगर आप चाहते हैं मेरे को क्लिनिक पे नहीं चाहिए, मैं घर घर जाकर पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहता हूं, तो वो भी सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो सर उसका चार्जेस क्या रहते हैं? उसके चार्जेस अलग होते हैं कि सर सेम कंसल्टेशन फीस में ही वो सुविधा प्रोवाइड की जाती है? सर जैसे आपने ई क्लिनिक लगाने के लिए आपने बताया आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा हैं, हमारी टीम आपको उसी तरह का प्रोडक्ट डिसाइड कर बताती है कि आप ई क्लिनिक की जगह पर एक टैबलेट लीजिएगा, उस तरीके से आप पेशेंट के बाद इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसी सेम चार्ज में ही वो सारी सुविधाएं प्राप्त करा दें आपको। हाँ जी, और कॉस्ट मोस्टली सिमिलर ही रहती है, अगर आप ई क्लिनिक वाली ऐप को आप घर पे भी लेकर जा सकते हैं, और कई तरीके हैं इसमें अविरल जी, और बहुत सी इसमें चीजें हैं, तो आपको वो आप कस्टमर केयर से हमारे किसी से बात कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल समझा सकते हैं।
मेरा प्रश्न है वो योगेंद्र जैन जी से। हाँ जी योगेंद्र जी, हाँ जी योगेंद्र जैन जी सर आप हैं कॉल पे? उनका कनेक्टिंग ऑडियो में इश्यू आ रहा है। और कोई प्रश्न किसी का? सर सिद्धार्थ भाई हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला सर। हाँ आपकी आवाज थोड़ा सा होगी सी। तो अवधेश जी अगर देखिए यहाँ थोड़ा सा हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि हमें लोग अगर अगर हमसे सुविधा ले रहे हैं उधार के बेस पे, देखिए ये जो चर्चा है ना उधार लोग ले लेते हैं और लौटाते नहीं है, ये एक सर्वव्यापी एक दिक्कत है। ये इसमें ये एक ना सामाजिक थोड़ा इशू भी है। ये थोड़ा हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अलग से हमें बातचीत करनी चाहिए कि हमें कोई हमसे सामान ले ले और हमारा पैसा ना दे, ये एक अलग किस्म की दिक्कत है अवधेश जी। इसमें हम आपसे बात भी करते हैं कि क्या किया जाए, कुछ अलग से प्रचार करें, अलग से कुछ हम बात करें मरीजों से या बोर्ड लगवाएं कि आज नकद कल उधार नहीं चलेगा, ऐसा कुछ। अविल कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? हाँ जी अवधेश जी आपकी समस्या बहुत लॉजिकल समस्या है जो गांव में काफी देखा जाता है, लेकिन आप एक चीज समझिएगा, हर कस्टमर गांव में देखिए काम करता है। हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं, हम जो फैल रहे हैं, हम गांव में अपने लोकल साथी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लोकल साथी का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गांव में जो पेशेंट आता है उसको भी समस्या समझी जाए। उसने जो उधार किया, आपने बोला कि उधार करता है फिर देता नहीं है, तो देखिए ये एक समस्या है कि अगर कोई आदमी प्रोडक्ट लेता है उसको अच्छा लगता है और कल वो दोबारा यूज करना चाहता है तो वो उसका पेमेंट जरूर देगा। वो एक बार नहीं देगा तो दोबारा आ भी नहीं पाएगा, वो खुद हिम्मत भी नहीं करेगा कि मैं कैसे आके इन डॉक्टर साहब को कहूँ कि मेरा इलाज करो। तो ये तो हमको समझना पड़ेगा कि आप, हम उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं, हम भी सब लोगों की सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो आप लोकल हैं आपको समझ में आता है पेशेंट में कैसा है, इनकी क्या समस्याएं हैं, हम उसको शहर जाने से रोक, शहर में अगर वो डॉक्टर के पास जाएगा तब भी उसको पैसा देना पड़ेगा, वहां पर उधार नहीं कर पाएगा। हम उसका वो खर्चा कम कर रहे हैं, हम उसकी सुविधा के लिए ही काम कर रहे हैं, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा आप जो ये सर्विस ले रहे हैं ये वैल्यू फॉर मनी है और इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। एक विश्वास बनता है, विश्वास बनता है तो चीजें अपने आप होती जाती हैं। और अवधेश जी इसमें हम आपकी मदद भी करेंगे, आप तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, अब तो मतलब घनिष्ठ मित्रों में आप हमारे, तो ये आपसे हम चर्चा भी करेंगे इस बात में कि कैसे ये दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, तो इससे हम आपसे बात करते हैं इस बारे में। सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर, ई क्लिनिक जो हमने चालू करवाए तो उसमें जैसे हम ई क्लिनिक वालों का टाई अप मेडिकल स्टोर वालों से करवाते हैं, उनका टाई अप हम पैथोलॉजी सेंटर से भी करवाते हैं, तो इनमें कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि ई क्लिनिक वाले अपना खुद का उनमें प्रोडक्ट दें कोई कि ये हमारा प्रोडक्ट है आप इसको बेच? टाई अप तो सिर्फ इसलिए होता है ना कि अगर उनको जांच करवानी है ई क्लिनिक पे किसी मरीज की तो उस लैब से व्यक्ति आ जाता है सैंपल कलेक्ट करने जी, या उस मेडिकल स्टोर पे मरीज चला जाता है पर्चा भरवाने, ठीक है जी। तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है क्योंकि कई गांव में आसपास नहीं होता है मेडिकल स्टोर, ठीक है, तो थोड़ा उनका आपस में बातचीत करवाने के लिए मदद कर देते हैं जी जी। बाकी प्रोडक्ट में भी इस चीज का है, हैंडलिंग है कि आप ई क्लिनिक में अगर डॉक्टर साहब ने खून की जांच ऑर्डर करी है तो डायरेक्टली वो लैब पे मैसेज चला जाएगा, इसका भी सुविधा है ऐप के अंदर जी। जी सर थैंक यू सर, बस यही पूछ रहे थे। उस कंडीशन में इन्हें कमीशन नहीं मिल पाएगा अगर डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो? नहीं, इसमें बात जी, सर इसमें बात कमीशन की नहीं होती, कमीशन इसमें बात सिर्फ ये होती है कि लोग परेशान ना हो, बल्कि जो आप सुझाव दें उनको सही सुझाव दें और सही दिशा में ले जाएं। नहीं सर, मैंने सिर्फ पॉइंट रखा है सर, सही गलत नहीं बताया उसमें मैंने।
हाँ नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ कि देखिए वो अलग अलग दृष्टिकोण से आपके पॉइंट्स हैं। तो शाहनवाज जी आपका क्या प्रश्न है कि प्रोडक्ट का क्या है, होती कैसे है जी? दीपक जी आपका है कि कमीशन के ऊपर। जी जी सर, हमारा आज की डेट में हम कोई, जैसा मैंने बताया, हम जांचों में और मेडिकल स्टोर में हम कोई कमीशन नहीं लेते, चाहे वो हमारी ऐप से जाए बात या वो डायरेक्टली जाए। क्योंकि अगर ऐप से जाता है तो भी ऑपरेटर को पता लगता है, राइट, क्योंकि पर्चा तो उनके पास ही आता है। जी सर ठीक। नहीं वो होता सर ये है ना कि जैसे हमने ये क्लिनिक खुलवाया तो उसमें वो पहले ये कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपका कोई हमें प्रोडक्ट बेचने पड़े। नहीं ऐसा कुछ नहीं है दीपक जी, आप जिस लैब से चाहें या जिस भी आप मेडिकल स्टोर से चाहें आप उससे टाई अप कर सकते हैं। तो जियो का इसमें कोई रिलेशन नहीं है जी। हमारा काम सिर्फ आपको एडवाइस करना है, मरीज को कंसल्टेशन देना है। और कोई प्रश्न किसी का? विवेक धवन कुछ पूछना चाहते हैं, नरेंद्र नाथ कुछ पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप अपने मन में आता पूछें। गौरव आपको पूछना है? मैं कमलेश बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मरीजों को जैसा आपने बताया कि हमने क्लिनिक खोल ली, तो अभी मरीज कैसे आएंगे हमारे पास? इसमें देखिए कमलेश जी, हम जैसे आपका ई क्लिनिक लग जाता है तो उसके बाद हम आपका प्रचार प्रसार में बहुत मदद करते हैं। जैसे आपका पोस्टर बैनर हो गया, हम आपका वॉल पेंटिंग 7 फीट बाय 10 फीट की 2 वॉल पेंटिंग, हम एक शिविर भी लगाते हैं आपके लिए कि आपके मरीज मुफ्त में हमारे डॉक्टर देखें 1 दिन, और हम मुनादी वगैरह की चीज़ें और गांव में पोस्टर बैनर ये सब लगाने में आपकी मदद करते हैं। और इतना ही नहीं, हम सोशल मीडिया में भी आपकी ऐड चलाते हैं ताकि आसपास के लोगों को पता लगे कि आप हैं, मार्केट में आपने ये चीज़ खोली है। और हमारी कस्टमर केयर टीम आपसे हमेशा संपर्क में रहती है, हमारे ई क्लिनिक जो डिपार्टमेंट देखते हैं वो आपसे बातचीत करके रखते हैं कि भाई आपका क्लिनिक सब चल तो रहा है ना कुशल तरीके से। तो ऐसा नहीं कि हमने बेचा और गायब, हम बेचा और खड़े हैं साथ, ऐसे इस तरीके से चलते हैं। अच्छा सर, एक समस्या और, मतलब क्योंकि मेरा जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेडिकल में, मैंने काम वाम किया है डॉक्टर के यहाँ तो मैं जानता हूँ, मगर क्या आप कोई ट्रेनिंग देते हैं कि पेशेंट को कैसे, मतलब मरीज को कैसे डॉक्टर से मिलवाना है, कौन से डॉक्टर से मिलवाना है, मतलब उसमें अगर मुझे कोई समस्या है तो क्या आप, मतलब कैसे आप मदद करेंगे या मैं कैसे करूँगा? आपकी देखिए कमलेश जी, पूरी की पूरी ट्रेनिंग होती है इसमें। हमारे जो टीम है जो क्लिनिक लगवाएगी आपके यहाँ इंस्टॉल करेगी, वो आपको पूरा समझाएगी कि देखियो ऐसे ऐसे होता है, कान वाले डॉक्टर ये हैं, नाक वाले ये हैं, टांग वाले ये हैं, सब समझाते हैं आपको। फिर हमारी कस्टमर केयर उपलब्ध है आपसे बात करने के लिए, और हर हफ्ते हमारी टीम आपसे संपर्क भी करती है कि आपकी भाई स्थिति कैसी चल रही है। क्योंकि देखिए हमारी सक्सेस इसमें नहीं है कि हमने आपको किट बेच दी, हमारी सफलता इसमें है कि आप फले फूले, आप मरीज दिखाएं हमारे डॉक्टरों से और आगे बढ़ें, आप भी पैसा कमाएं, नाम रोशन करें अपना गांव का, उसमें है हमारा। और अगर बाय चांस आपको फिर भी दुविधा रहती है कि आपने कौन से डॉक्टर को दिखाना है, तो आप कभी भी हमारे किसी जनरल डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं कि मरीज को ये दिक्कत है, मैं आगे कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, तो वो आपको बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मैं अविरल प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। सर अपना कंसल्टेशन का टाइमिंग कुछ तो होगा, जैसे सुबह के 9 बजे से या रात के 7 बजे तक 6 बजे तक, कुछ ऐसी टाइमिंग है अपनी कंसल्टेशन की? सुबह 9 से शाम 8 बजे तक। ओके सर, अगर सपोज दैट कोई इमरजेंसी केसेस है या पीडियाट्रिशियन केसेस में क्या होता है कि जैसे रात में बच्चे को कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, अगर कोई पेशेंट हमको कॉल करता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है हमारे बच्चे के साथ या मदर फादर के साथ, तो हम उनको क्या सजेशन दे सकते हैं सर?
देखिए इसमें क्या है कि अगर रात को ऐसा बेटाइम कुछ ऐसा हो जाता है तो देखिए हम मदद करने के लिए परस्पर तैयार रहते हैं। तो हमारी भले ही हमारा कस्टमर केयर का टाइम सुबह 8-9 से शाम 8 तक है, बट फिर भी हम केस टू केस बेसिस पे आपकी मदद करने को हम तैयार रहते हैं इस चीज में। तो आप फिर भी कॉल कर सकते हैं कस्टमर केयर पे और वो जितना हो सकेगा आपकी मदद करते हैं। अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो उनसे बात भी करवा देते हैं। डॉक्टर मेघना है यहाँ पर, वो आपको और अच्छा बेटर समझा पाएंगी कि वो खुद एक बच्चों की डॉक्टर है, तो ऐसे में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जी ऐसे केस में जो ई क्लिनिक ऑपरेटर है वो हमें फिर भी रेफर भेज सकते हैं मरीज का और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार हम लोग ऐसे औने पौने टाइम पे मरीजों को देख लेते हैं। ओके मैम। जी जी थैंक यू मैम। ओके तो देखिए जी मेरा एक प्रश्न और है, एक निर्णय करें कि हाँ हमको अपने गांव में एक क्लिनिक लगाना है। क्योंकि देखिए जैसा कि अभी हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम जो हमारा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, आपको हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको हर गांव में एक क्लिनिक दिखाई देगा। अगर आपके गांव में आपके अलावा कोई और लगवाता है तो ये आपके लिए भी मुझे लगता है अच्छा नहीं होगा। आप सभी लोग एक निर्णय करें कि हम अपने गाँव में एक क्लिनिक लगाते हैं और इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे हम ये सारे क्वेश्चन तब भी करेंगे, तब भी हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे कि हम आगे कैसे आपको सक्सेसफुल बनाएं। क्योंकि हमें तो सक्सेसफुल होना है तो हमें आपको भी सक्सेसफुल बनाना पड़ेगा, आप हमारी ही फैमिली के सदस्य बन जाएंगे। अभिनव जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ किसी के मन में कोई भी शंका हो पूछे, उसका निवारण कराए और आके हमारे साथ कार्य शुरू करें, हम केवल इतनी इच्छा रखते हैं आप लोगों से। अच्छा एक प्रश्न मेरा और है, मैं कमलेश बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास मतलब मैंने खोला क्लिनिक और मेरे पास मरीज आता है और मरीज आने के बाद कितने समय में मतलब कितना समय लगता है डॉक्टर से संपर्क करने पे और कितना समय लगेगा। मतलब कई बार होता है मरीज आए, 4 मरीज आ गए और मेरे को दिखाना है तो कितना समय लगेगा, मतलब कैसे करेंगे, मतलब आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा संशय है हमारी, थोड़ा सा बता दे। जी आपका क्या है कि जो जनरल डॉक्टर हैं और जो स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं वो तो उसी टाइम देख लेते हैं, 15 मिनट में मैक्सिमम टाइम 15 मिनट रहता है, काफी बार 5-7 मिनट में ही कॉल हो जाती है। जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है या किडनी के डॉक्टर है उनके लिए अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, तो उसमें हम आपको ये टाइम बता देते हैं कि इस डॉक्टर का टाइम इतने से इतने बजे है तो आप इतने बजे मरीज को बुला लीजिए, ये होता है सुपर स्पेशलिटी के लिए। बाकी जो स्पेशलिटी कॉल्स होती है तो वो और जो जनरल कॉल होती है वो किसी भी टाइम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब एक दिन पहले मैं सुपर स्पेशलिटी के लिए मैं वो करूंगा। हाँ, आप जैसे सुपर स्पेशलिटी के लिए जैसे आप सुबह भी कह सकते हैं कि मुझे आज गुर्दे वाला मरीज दिखाना है, हम काफी बार डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो अगर तो वो उसी टाइम अवेलेबल होते हैं तो कॉल ले लेते हैं, अगर नहीं होते तो जो उनका फिक्स टाइम होता है उसमें ले लेते हैं। हर सुपर स्पेशलिस्ट का उस दिन रोज टाइम होता है तो उस टाइम आके वो दिखा सकते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी शैलेंद्र आपका शायद कोई क्वेश्चन है। एक मैं फिर भी एक बार सभी लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ जी शैलेंद्र जी, मैं आप सभी एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका नंबर भी चैट बॉक्स में नहीं है कृपया अपना नाम और नंबर प्लीज डाल दीजिए, इसका आपको ही बेनिफिट मिलेगा। अपना नंबर डाल दीजिएगा प्लीज। हेलो सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जो कोई जियो ई क्लिनिक खोलना चाहता है और जो कि मेडिकल रिलेटेड उसने पढ़ाई की है लेकिन उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब किसी तरीके से मतलब जियो ई क्लिनिक वाले मतलब ट्रेनिंग वगैरह देते हैं कि कैसे वगैरह, मतलब अगर पेशेंट को इंजेक्शन ट्रिप कैसे चढ़ानी है वगैरह करके।
नरेंद्र जी, जियो ई क्लिनिक खोलने के लिए आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इंजेक्शन हम नहीं चाहेंगे। डॉक्टर आपको खुद बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। डॉक्टर आपके साथ पूरा कंसल्टेशन में सपोर्ट करेंगे, डॉक्टर ही कंसल्टेशन देंगे। आपके पास मरीज आएंगे, उनको सब सुविधाओं का वो करा जाएगा, बट आपसे हम उम्मीद ये करेंगे आप ऐसे में इंजेक्शन ना लगा, डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही सीखिए। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद हम उस चीज को लेके जाएंगे। नहीं सर, जैसे का मतलब कोई ड्रग है, अगर उसको ड्रिप चढ़ा के देना, अभी मैम ने वो कि ड्रिप चढ़ाने के लिए बोलते हैं या फिर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, तो अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है तो फिर जियो ई क्लिनिक वाले मतलब कैसे उसको हैंडल करते हैं? यानी जैसे किसी डॉक्टर के पास रेफर करना पड़ेगा उसको इंजेक्शन लगाने के लिए या ड्रिप चढ़ाने के लिए? जी जी, एक्चुअली क्या है कि जिनको तो एक्सपीरियंस है, जैसे किसी ने नर्सिंग का कुछ कोर्स कर रखा है या वो, तो जहाँ पे तो ई क्लिनिक ऑपरेटर को कॉन्फिडेंस है ये खुद लगाने का, या जिनको काम आता है तो उनको हम एडवाइस कर देते हैं। जहाँ उनको नहीं होता तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि अगर मरीज कोई ज्यादा सीरियस है या कुछ ड्रिप या इंजेक्शन लगाना है तो वो फिर किसी और अस्पताल में जाके ये लगवा ले जी। इंजेक्शन और तभी तभी हम अलाउ करते हैं अगर किसी को आता है, अगर नहीं आता है। और जैसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, मतलब अंडर सुपर डॉक्टर के सुपरविजन में कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, जियो क्लिनिक भी चला रहा है साथ में, मतलब वो ट्रेनिंग भी लेना चाहता है, तो क्या ऐसी कोई टीम अवेलेबल है जो उनको ट्रेन करती है? इंजेक्शन के लिए नहीं हम ट्रेन करते हैं, हम लोग मरीज की दवाई समझने में और उस सब में आपकी मदद करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर से कैसे चेक करना है, बीपी कैसे चेक करना है, उसमें हम सारी मदद करते हैं। क्योंकि इंजेक्शन वगैरह के लिए आपको पहले से आपको सिर्फ बताया नहीं जा सकता, आपको खुद लगा के देखना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा, किसी के साथ खड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप साथ के साथ अपनी ट्रेनिंग करा लीजिए कहीं एक महीने किसी अस्पताल में, और साथ के साथ जियो क्लिनिक में चलाते रहिए, एक आध महीने में आपको इंजेक्शन लगाना आ जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है चंद्र जी, अगर आप चाहते हैं तो हम चाहेंगे आप स्टार्ट करिएगा, चीजें अपने आप होती जाएंगी। जब आप इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के संपर्क में आएंगे, अपने आप आपके ज्ञान में। ओके सर। तो देखिए, अभी मैं वही कहना चाहूंगा आप सबसे, आप सबको आज एक निर्णय करना चाहिए कि हमें जियो ई क्लिनिक अपने यहाँ खोलना है। आप आज ये निर्णय करते हैं, ये मेरा विश्वास है अब से 6 महीने बाद आप कहेंगे निर्णय किया बहुत अच्छा है। क्योंकि समय हाथ से निकल जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता है। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं, प्रमोद शुक्ला, नहीं मोहम्मद जावेद जी, अर्पित त्रिपाठी जी, कोई क्वेश्चन आपका? सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया तो करना ये चाहता हूं कि जिस गांव में डॉक्टरी की सुविधा नहीं थी या नहीं है, आपके ई क्लिनिक के जरिए जो मरीज कभी उन डॉक्टर से मिल भी नहीं पाए या मिल नहीं सकते, तो आपके एक इस प्लेटफॉर्म से उन मरीजों को, उन लोगों को, उन डॉक्टर तक पहुंचने का एक सुनहरा मौका मिला जिस तक जिन डॉक्टर तक वो मरीज कभी पहुंच नहीं पाते। सर धन्यवाद शाहनवाज, बहुत अच्छा आपने कहा, बड़ा अच्छा लगा सुन के। और यही हमारा प्रयास है, हर गांव में अस्पताल, और बस उसी भी तरफ हम निकल पड़े हैं उस तरफ। धन्यवाद। और कोई चलिए, अगर नहीं है तो हम अब करते हैं इस सेशन को क्लोज। और आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं, jio.com पे आके ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कैसे भी है संपर्क करें, हमेशा हम तैयार हैं, तत्पर हैं आपसे बात करने को। और हमने बस ठाना हुआ है, आप हमें अगर अगले साल भी देखेंगे तो हम इसी में चल रहे हैं।
आगे बढ़ते हुए नए नए राज्यों में नए जिलों में ये चीज होते हुए। और जी जी सर, धन्यवाद सर। सर आप लोगों ने एक कदम ये आगे बढ़ाया है गरीबों के लिए, उन मरीजों के लिए जो कभी अच्छा इलाज नहीं करा सकते। आपने एक जो कदम बढ़ाया है उसके लिए हम आपके साथ दो कदम बढ़ाने को तैयार हैं, आपके कांधे से कांधा। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद सभी मित्रों। आशा है कि आपके यहाँ ई क्लिनिक हम लगाएंगे और आपको भी उसमें व्यवसाय में फायदा होगा और आपके गांव में भी। चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू।